आप देख सकते हैं कि जो छोटा सा है ये ठीक है, एक ही वाले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो नया वीडियो है ये है जेनी और मेरी लीजा के टिक्स और फ्लीज जो हुए हैं उनको, एक्चुअली वो जो बोले किन्ने छोटे छोटे से और बड़े बड़े मोटे वाले, तो वो हुए हैं इनको एक्चुअली। तो उसकी वजह से इसकी जो जेनी की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, यू नो। उसकी वजह से क्या होता है ना, डॉग्स खाना भी खाना कम कर देते हैं, उनकी डाइट भी बेकार हो जाती है और डॉग्स बहुत ही ज़्यादा बीमार भी पड़ जाते हैं। तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर एक नो कंडीशन है इसमें। तो टिक्स और फ्लीज के लिए क्या है कि हमने अभी ऑनलाइन एक दवाई ऑर्डर करी है, वो काफ़ी छोटी रहती है, काफ़ी सी वो ड्रॉप्स आते हैं उसमें, वो डॉग्स की बैकबोन पे डालते हैं जहाँ डॉग लिक ना कर पाए। तो वो दवाई थोड़ी सी महंगी है पर वो काफ़ी अच्छी बताई जाती है, तो अभी हम उसे ट्राई करने वाले हैं। तो वैसे तो मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर करा है, उसे आने में 3 से 4 दिन लगेंगे, पर मैं आपको एक बार उसकी फ़ोटो दिखा दूँगा, ताकि अगर उससे बोलते हैं कि 6 से 7 महीने कम से कम डॉग्स बहुत रिलैक्स हो जाता है उससे, 6 से 7 महीने तक डॉग्स के नहीं पड़ते हैं वो टिक्स एंड फ्लीज। तो इंजेक्शन से तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, 1-1.5 महीना होता था तो थोड़े सूख जाते थे, वो गिर जाते थे, लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाते थे। तो कब तक इनको इंजेक्शन इंजेक्शन लगवाते रहते, तो अभी सोचा कि थोड़ा और कंसल्ट करें। तो पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसे एक मेडिसिन है बैकबोन पे लगानी है। तो मैं अभी आपको जेनी की एक बार कुछ दिखाता हूँ वीडियो। तो उसने जो खुजला खुजला के अपना जो नीचे का एरिया है ना, जहाँ उसके निपल्स वगैरह हैं, तो वो पूरा रैशेस से हो गया, वहाँ ब्लड ब्लड सा हो गया अपने नाखून से खुजला खुजला के। तो बहुत दिक्कत रहती है डॉग्स को उससे। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसी हालत है उसकी। तो ये है जेनी, इसकी एक्चुअली काफ़ी शेडिंग हो गई है, अभी बहुत सारे बाल गिर गए हैं। सही है, वैसे भी गर्मी में ज़्यादा बाल खींचिए तो सारे बाल इसके गिर गए हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसके जो टिक्स और फ्लीज की वजह से इसने कैसा स्क्रैच मार मार के पूरा नीचे, यू नो, कैसे कर दी हालत। तो ये है हमारी जेनी और ये है लीजा। तो इन दोनों के टिक्स और फ्लीज हैं। जेनी ने काफ़ी ख़तरनाक हालत कर दी है, ये देखो ये जो रेड रेड से निशान दिख रहे हैं, ये इनने नाखून से खुजला खुजला के ये पूरे इस तरीके से मार्क्स बना दिए यहाँ। तो काफ़ी दिक्कत रहती है जेनी को, एक तो इसके बाल भी गिर गए हैं और पूरा स्किन एक्सपोज हो गया है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कैसे रैशेस से पड़ गए इसके पूरे। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत रहती है जेनी को। तो अभी हम वो मेडिसिन मंगा रहे हैं, तो मेडिसिन आएगी तो मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ कैसे लगाते हैं। यहाँ पर एक सर पे लगाते हैं, मतलब ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ डॉग्स का मुंह ना पहुँच पाए, एक सर पे, एक इधर नेक पे, फिर पीठ पे 2-3 जगह लगा दो और एक टेल के इस साइड लगा दो, यहाँ पर जहाँ डॉग्स का मुंह, यहाँ इधर मत लगाना क्योंकि यहाँ डॉग्स इजीली डॉग्स का मुंह पहुँच जाता है पूंछ पर, इधर साइड बैक साइड पे टेल के लगा दो। तो ऐसे 3-4 ड्रॉप डॉग्स के लगा दो और छोड़ दो उसे थोड़े समय तक। तो उसे बोलते तो हैं काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं डॉग, और काफ़ी अच्छी दवाई है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 400 to 500 समथिंग की है। तो मैं भी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ उसकी कैसी दवाई है, वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी। तो अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आप देख लेना। तो ये देखिए, आप अभी क्लियरली दिखा सकता हूँ आपको, इस तरीके से इसने ना नाखून लगा लगा के रैशेस बना दिए हैं। तो काफ़ी परेशानी रहती है इस बेचारी को, इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं, इंजेक्शन से 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, फिर चले जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा है ये टिक है, एक ही वाले होते हैं और एक बड़े बड़े से टिक्स होते हैं। तो इनको या तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्लिप होता है, क्लिप जिसकी वजह से आप इसे पकड़ के हल्का सा खींच सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, आपके डॉग को दिक्कत भी हो सकती है, और उसे मार दो। एक रीज़न वो है, एक सॉल्यूशन वो है, और दूसरा सॉल्यूशन वही है कि दवाई वगैरह या इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, दवाई सबसे बेस्ट है फ़िलहाल के लिए तो बोलते हैं, तो इसलिए हमने वो मंगाई है। और अभी देखो कैसा रहता है उसका, है ना। लीजा के भी बहुत से हुए हैं, लीजा एक्चुअली थोड़ी सी हैवी है तो लीजा पहुँच नहीं पाती है, वरना लीजा ने भी अपने बहुत सारे निशान बना लिए होते इधर। लीजा अभी 15 डेज़ की है जब से इसकी मीटिंग कराई है, 15 डेज़ हो गए हैं, तो लेट्स सी क्या होता है लीजा का। ये देखो इस तरीके से डॉग्स खुजलाते हैं अपने आप को, और इतना कम खाना खाने लग गई है, बहुत कमज़ोर सी हो गई इसकी वजह से, ये सारा ब्लड वगैरह तो ये सख कर लेते हैं टिक्स। तो जैसा कि आपने फ़ोटो वगैरह देख ही ली होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आप वहाँ से, आप भी चाहे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं अपने डॉग के लिए, या आप वेट कर सकते हैं मेरे रिस्पॉन्स का कि मैं, यू नो, बताऊँ कि मैं किस तरीके की दवाई है, वो काफ़ी यूज़फुल है कि नहीं है।
वर्थ इट है कि नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो बिट एक्सपेंसिव है, 400 to 500 रुपीज़ काफ़ी होता है छोटी सी ड्रॉप्स के लिए, इतना सा आता है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं आता शायद, तो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। सो बाय बाय, टेक केयर।